इन दिनों में इस सीजन में थोड़ी सी बीमारियां बढ़ रही हैं, कुछ मौसम के बदलाव, कुछ प्रकृति के ऐसे बदलाव आए हैं, तो इस ऐसे माहौल में, ऐसे वातावरण में हमें अपने आप को कैसे ढालना चाहिए जिससे कि हम बीमारी होने से बचें या कोई गंभीर समस्या ना हो जाए। तो उसमें कुछ बचाव हैं, जैसे कि हम जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है हमारा पानी लॉस होता है शरीर से, स्वेटिंग होती है, कुछ दिखाई देती है कुछ दिखाई नहीं देती है, तो हमें पानी हर क्षण हर समय अपने पास लेके चलना चाहिए और अधिक से अधिक पानी पीते रहना चाहिए और कोशिश करें कि घर से पानी की बोतल लेके जाएं, क्योंकि रास्ते का पता नहीं कब पानी कैसे मिले। दूसरी बात है कि डायरेक्ट सन एक्सपोजर से बचना चाहिए, सीधा जैसे हम धूप में सीधे कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पसीना भी निकल रहा है, उससे नहीं, हम अपना सर कवर करके रखें और कोशिश करें कि छाया हम काम करें, धूप में ना करना पड़े, तो ये दो चीज़ ज़रूरी है। तीसरी इम्पॉर्टेंट है कि अक्सर आजकल शादियाँ बहुत बढ़ जाती हैं, तो खाने पीने में सोच समझ के खाएं। पानी तो हमारा ये कहना है कि हम अपने साथ, जैसे हमने बताया, घर से बोतल लेके चलें और हर घंटे पे पानी पीते रहें, प्यास लगे या ना लगे, या तरल जूस ले सकते हैं, नींबू से गंजी ले सकते हैं, किसी भी रूप में तरल हमें ज़्यादा चाहिए।